फिनाले में इस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नहीं किया ये काम तो 19 करोड़ लोगों के पैन कार्ड हो जाएंगे रद्द, ऐसे चेक करें स्टेटस। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समय की सीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50% पैन कार्ड धारकों ने ही अपने आधार को पैन से जोड़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या आवंटित किए हैं। इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। आगे जानिए कैसे आसानी से आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनवैलिड हो जाएगा आपका पैन आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2019 कर दी गई है। अगर आपने तय समय सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। नहीं जोड़ने पर होगी ये परेशानियां। एक्सपर्ट बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।